प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और साथ साथ इसके बेसिस पर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किसी लिक्विड का हिमांक क्या है, तो आप एक बड़ा कैजुअल सा आंसर दे देते हैं, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेज, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, फ्रीज होता है। लेकिन ये एक बड़ा ही कैजुअल डेफिनेशन है। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, तो याद रहे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या बताया गया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब आप देखेंगे कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में वाष्पशील विलायक में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, एक अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अब आपको यदि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो सॉल्यूशन को और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, इट नीड्स फर्दर कूलिंग, अपने को और ज्यादा कूलिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स डिक्रीज्ड, हेंस टू इक्वेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट this solution is required to be cooled further to a relatively lower temperature. Thus, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the freezing point of solution gets decreased. This is called depression in freezing point of solution. तो आपको बताया गया कि जब किसी volatile solvent में एक non-volatile solute मिला दिया जाता है तो solution में solvent का partial vapor pressure, solution में विलायक का आंशिक वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स डिक्रीज, क्या होता है, घट जाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए सॉल्यूशन को और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर तक उसकी कूलिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के हिमांक में अवनमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वोलाटाइल सॉल्वेंट इज ए लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वोलाटाइल सॉल्वेंट ए इज T0F एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट T इज TF, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डेल्टा TF विल बी इक्वल टू T0F माइनस TF। तो आपने मान लिया कि किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट वाष्पशील विलायक
ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है T0F. कितना है? T0F. इस वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी मिला देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो करके सॉल्यूशन का हो जाता है TF. कितना हो जाता है? TF हो जाता है. देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा? ये इक्वल डेल्टा TF से डिनोट कर रहे हैं इसको. डेल्टा TF इक्वल होगा T0F. याद रहे यहां पर T0F ज्यादा है. T0F माइनस TF. T0F क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और TF क्या है यहां पर? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसकी निकलेगा? T0F माइनस TF. इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्लॉटेड अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी देन फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन्ड. यहां पर एक ग्राफ खींचा गया है. यहां पर सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों के वेपर प्रेशर को अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लॉट किया गया है. देखिए क्या कर्व मिलता है, क्या ग्राफ मिलता है यहां पर. ये ग्राफ देखिए इसमें क्या है. यहाँ x एक्सिस पर हमने टेम्परेचर शो किया है इन केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर शो किया है और y एक्सिस पर वेपर प्रेशर शो किया है. किसका किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन. ये जो ए बी पार्ट है ग्राफ का, ए बी पार्ट ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है. बी सी पार्ट लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है और वहीं जो ईडी है ये शो कर रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व है, टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन शो किया गया है. अब यहां पर आप साफ साफ देखिए, सपोज हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, ये है सपोज रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर आपने लिक्विड लिया, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा. याद रहे लिक्विड के वेपर प्रेशर से सॉलिड फेज जो इसका लिक्विड का जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. ये देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम शो किया गया है. किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का, जबकि लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा शो किया गया है. क्लियर है? इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं. तो आपने किसी लिक्विड को लिया रूम टेम्परेचर पर, पॉइंट सी पर ध्यान दीजिए. रूम टेम्परेचर पर आपने लिक्विड लिया, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है लिक्विड का. क्लियर? अब लिक्विड को आपने ठंडा करना शुरू किया, उसकी कूलिंग शुरू की. सिंपल सी बात है, लिक्विड को फ्रीज करना है तो व्हाट टू डू, क्या करेंगे आप? उसकी कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे. जैसे जैसे ठंडा करेंगे टेम्परेचर घटाएंगे. ध्यान दीजिए टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, इधर आ रहे हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा और घटते घटते ध्यान दीजिए टेम्परेचर घटने के साथ वेपर प्रेशर घटता जा रहा है. किसका? लिक्विड सॉल्वेंट का. और पॉइंट बी पर ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, पॉइंट बी पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा. नेचुरली यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यानी द्रव का हिमांक. तो आपने क्या देखा? पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी T0F पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया. नेचुरली इस पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है T0F, ये कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट का यानी शुद्ध विलायक का, शुद्ध लिक्विड का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब फिर से रूम टेम्परेचर पर आपने फिर से सॉल्वेंट लिया और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया बी. व्हाट विल हैपन? उसी टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया. ध्यान दीजिए पहले इतना था प्योर सॉल्वेंट का, अब वह घट करके डी के करिस्पॉन्डिंग हो गया. वेपर प्रेशर घट गया. क्लियर है? पहले सी के करिस्पॉन्डिंग था, जैसे ही आपने सॉल्यूट मिलाया वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम था, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, घट गया. अब आप सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू कीजिए. व्हाट विल हैपन? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटने लगेगा. ये देखिए कैसे घटेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा. लेकिन जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो गया था, क्या सॉल्यूशन फ्रीज होगा? आंसर इज नो, सॉल्यूशन यहां फ्रीज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ है.
means solution ko aur zyada thanda karna padega. It will needs to cooled further. Aur zyada humko iski cooling karni padegi. Aur zyada cooling karenge. Dhyan dijiye, vapor pressure ghatta ja raha hai. Uske baad point E ke corresponding temperature par, yani TF par, solution ka vapor pressure solid solvent ke vapor pressure ke equal ho jayega. Means ye temperature kahlayega solution ka freezing point, yani विलयन ka himan. यहां साफ-साफ दिख रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है. कहने का मतलब यह कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है. इसी को नाम दिया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के हिमांक में अवनमन. क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. Here vapor pressure of both liquid solvent and solution decreases with decrease of temperature. At temperature corresponding to point B, already bata chuka hun, T0F, the vapor pressure of pure liquid solvent becomes equal to the solid solvent. Hence, it corresponds to freezing point of pure solvent, that is T0F. Similarly, at temperature corresponding to point E, that is TF, the vapor pressure of solution becomes equal to the solid solvent. Hence, it corresponds to freezing point of solution. It is clear that the freezing point of solution is lesser than that of pure solvent. Depression in freezing point is a colligative property which depends upon the number of particles in solution and is independent of the nature of particles. It is used in experimental determination of molecular masses of different non-volatile solutes. तो यहाँ पर graph को ही discuss किया गया है. शुरू के part में आपने देखा था, थोड़ा सा हम graph पर फिर से जा रहे हैं. ये देखिए, temperature घटने के साथ liquid solvent और solution दोनों का vapor pressure घटता है. पॉइंट बी के करिस्पोंडिंग टेंपरेचर पर, यानी T0F पर, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. इसलिए ये टेंपरेचर क्या कहलाता है? प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट. ऐसे ही पॉइंट ई के करिस्पोंडिंग टेंपरेचर, यानी TF पर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है. इस कारण TF क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. साफ-साफ दिख रहा है यहां पर TF इज लेसर देन T0F. Means, जब किसी volatile solvent में आपने non-volatile solute मिलाया, तो solution का freezing point decrease हो जाता है, घट जाता है. इसी को हम नाम देते हैं depression in freezing point of solution. साथ साथ यहां यह भी बताया गया कि depression in freezing point is a colligative property, यह एक अणुसंख्यक गुण है, which depends only upon the number of particles in solution, but not upon the nature of particles. ये केवल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता. एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. यह अवाष्पशील विलेय के अणुभार के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है. कौन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ determination of molecular mass of solutes on the basis of depression in freezing point of solution, yani himank mein avnaman ke aadhar par vilay ke anu bhar ka nirdharan kaise kiya jata hai, isko hum yahan par derivate karenge. Clear hai? To yahan humne maan liya ki kisi vaspasil vilayak yani volatile solvent A ka humne Wa gram liya. Wa gram ek beaker mein liya. Kiska? किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट ए का जिसका मॉलिक्यूलर मास है ma, और इस wa ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट b का wb ग्राम मिला दिया, और इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है mb. क्लियर है? ये हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. सपोज प्योर सॉल्वेंट का जो हिमांक था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट था, वो था t0f, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटकर के कितना हो गया है? TF. देन व्हाट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? दैट इज डेल्टा TF. ये इक्वल होगा T
T0F minus Tf. Clear है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में. Let W be gram of a non-volatile solute B having molecular mass mb is present in WA gram of volatile solvent A having molecular mass ma. The freezing point of pure volatile solvent A is T0F and that of solution containing non-volatile solute B is Tf. Then depression in freezing point of solution, that is delta Tf, will be equals to T0F minus Tf. तो आपने देखा कि किसी वाष्पशील विलायक A के WA ग्राम में हमने अवाष्पशील विलेय B का WB ग्राम मिला दिया. यहां पर हमने विलायक का मॉलिक्यूलर मास लिया है MA और विलेय का मॉलिक्यूलर मास लिया है MB. प्योर सॉल्वेंट का यानी शुद्ध विलायक का यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट था T0F और जैसे ही उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया फ्रीजिंग पॉइंट घटकर हो गया Tf. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया Tf. देन क्या मिला यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा Tf इक्वल हो गया T0F माइनस Tf. अब सबसे खास बात, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is found to be directly proportional to the molal concentration of solution. बहुत ही important fact. क्या बताया गया? किसी विलयन का जो depression in freezing point है, हिमांक में अवनमन है, वह विलयन के molal सांद्रण, M-O-L-A-L, molal, not molar, molal सांद्रण, molal concentration के directly proportional होता है. Clear है? That is delta Tf is directly proportional to M, small m. Small m stands for molal concentration. Molality. Clear है? देखे क्या लिखा है स्लाइड में? Experimentally, it has been found that the depression in freezing point is directly proportional to the molal concentration of solution. Thus, delta Tf is proportional to M. क्या मिला? Depression in freezing point, that is delta Tf, is directly proportional to molal concentration of solution. Solution के molal concentration के proportional है. तो delta Tf proportional हो गया small m के और delta Tf equal हो गया Kfm के. Where Kf is a proportionality constant called molal freezing point depression constant or cryoscopic constant. तो क्या मिला? Delta Tf equals to Kfm, जहां Kf molal freezing point depression constant है. हिमांक में अवनमन से संबंधित गुणांक है. Clear है? तो क्या मिला? Delta Tf equals to Kfm. अब हम इस Kf को define करेंगे. याद रहे, molal freezing point, depression constant, जिसको हम cryoscopic constant भी बोलते हैं. Cryoscopy, आपने नाम सुना होगा. What is cryoscopy? That is study at very low temperature. जब किसी वस्तु का या किसी भी object का आप study करते हो at very low temperature, बहुत कम temperature पर, तो उसे हम नाम देते हैं cryoscopy. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं freezing point का, हिमांक का, इसलिए Kf को हमने क्या नाम दिया है? That is cryoscopic constant. जैसे elevation in boiling point से related जो constant था, that is Kb को हमने नाम दिया था ebullioscopic constant, जबकि Kf को हम क्या नाम देते हैं? Cryoscopic constant, क्योंकि यहाँ पर हम low temperature की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर freezing point की बात कर रहे हैं. चलिए देखिए क्या लिखा है, कैसे define करते हैं. If m equals to 1, अगर m का value हम 1 ले लें, यानी solution 1 molal, then delta Tf will be equals to Kf. M की जगह 1 रखेंगे तो delta Tf equals to क्या हो गया? Kf. Equation number 2 मिल गया. अब यहां से हम Kf को define कर सकते हैं. कैसे define कर सकते हैं भाई? That is depression in freezing point for molal solution. बहुत easy सा definition. One word. आप कह सकते हो कि सबसे simplest definition है. क्या है? Depression in freezing point for molal solution. One molal solution के लिए जो depression in freezing point होता है, उसी को molal freezing point depression constant या cryoscopic constant बोलते हैं. Clear है? तो क्या लिखा है देखिए. Thus, the depression in freezing point of a molal solution is called molal freezing point depression constant or cryoscopic constant of solvent. तो क्या मिला आपने को? किसी molal विलयन के लिए हिमांक में अवनमन विलायक का molal अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या विलायक के हिमांक का molal अवनमन स्थिरांक, विलायक का molal अवनमन स्थिरांक कहलाता है. क्लियर है? विलायक के लिए होता है. अब आगे,
इसी का एक बड़ा डेफिनेशन, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इस मोलल को डिफाइन कर देंगे, मोलल की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देंगे, एक बड़ा डेफिनेशन मिल जाएगा जो आपके बुकों में लिखा हुआ मिलता है। देखिए क्या है, और द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1000 ग्राम ऑफ ए वोलाटाइल सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का एक मोल मिलाने पर होने वाला हिमांक में अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। क्या बताया गया, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द 1000 ग्राम ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोलेलिटी, सिंस मोलेलिटी, मोलेलिटी एम क्या है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या है मोलेलिटी एम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दिस इज मोलेलिटी। अभी अपने को मिला था डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, यहां एम का हम वैल्यू पुट कर देंगे। मोलेलिटी ध्यान दीजिए क्या है, मोलेलिटी एम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन जी एम एम, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दैट्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन एम बी, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या माना है एम बी इनटू डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये अपने को m का दैट इज मोलेलिटी का फार्मूला मिल गया। इसको हम डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल मिल जाएगा 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बी इन ग्राम अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा सा हम साइड चेंज कर लेते हैं, एम बी को इधर ले जाते हैं, डेल्टा टी एफ को यहां ले जाते हैं, तो एम बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ये चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, एक एक्सप्रेशन मिल गया मॉलिक्यूलर मास का एम बी का, तो एम बी इक्वल्स टू क्या मिला 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। आप देखेंगे कि अगर अदर पैरामीटर्स की वैल्यू हमको नोन तो इस फार्मूले को यूज करके हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, इफ अदर पैरामीटर्स आर नोन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या देखा है, इस एक्सप्रेशन से साफ साफ नजर आ रहा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलरेडी आपने देख लिया है कि जितने भी सॉल्यूट हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहां भी वही चीज मिला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसके बेसिस पर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। साथ साथ आपने ये भी देखा कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ ये जो फार्मूला मिला था अपने को मॉलिक्यूलर मास का, इसके बेसिस पर एकेडमिक एग्जाम में सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।